नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये गाइस वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब होने वाला है। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आप अभी कॉलेज जा रहे हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ है, या फिर आप जॉब भी कर रहे हैं और आपको साइड इनकम जनरेट करना है और आपके पास एक घंटे है, दो घंटे अवेलेबल है और आप उस टाइम के अंदर आपको एक डिसेंट अर्निंग जनरेट करना है। डिसेंट मतलब इनका दोस्तों बोलना यहाँ पे है कि यहाँ पे जो भी टॉप काम करने वाले लोग यहाँ पे लाख रुपए तक अर्न कर रहे हैं, पर मैं बोलता हूँ अगर आप दो तीन घंटे भी देते हैं और महीने के आप 10-12-15 हज़ार भी अर्न करते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ दोस्तों। अब गाइस यहाँ पे ये जो ओपनिंग आई है ये आपकी होने वाली है बेसिकली कोर्स हीरो कंपनी के अंदर। दोस्तों ये ओपनिंग बिल्कुल लेटेस्ट अभी 4-5 घंटे पहले ही है, तो कोई भी यहाँ पे पुरानी अपडेट नहीं होने वाली है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत हायर है आपके रिस्पांस आने का भी। और यहाँ पे आप काम करने वाले हैं एज ए ट्यूटर, एज ए टीचर के तौर पे, जो कि कम्प्लीटली आपका कोई भी मतलब आपको सामने से नहीं पढ़ाना है बच्चों को, आपके पास उनकी क्वेश्चंस के आंसर देने, वो भी ऑनलाइन। तो काफ़ी डिसेंट गाइज यहाँ पे काम आपका होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको घर बैठ के लाइफ टाइम काम करना है। यहाँ पे आप कॉलेज जा रहे हैं मतलब एजुकेशन आपका मिनिमम, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट 12वीं पास कर चुके हैं, सब्जेक्ट का नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर एक आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आप एक हाउसवाइफ है, तो ये आपके लिए बहुत ही टॉप ओपनिंग होने वाली है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का जो रेंज है वो करीब 25-30 से ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट मेजरली जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल मार्केट है वो सारे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और इसके बाद अर्निंग बहुत टॉप क्लास है बिकॉज यहाँ पे आपको आप यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ टाइम बाहर के बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे मतलब ये है कि आप इंडिया से बाहर यूएसए के यूएस के क्लाइंट यहाँ पे होने वाले हैं, तो उनके क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे जो आपकी अर्निंग है ये भी डॉलर में होने वाले। तो गाइस देखो ओपनिंग बहुत अच्छी है, डिटेल यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप समझ के सारे अप्लाई कर देना। अगर आप एक पार्ट टाइम जॉब के तलाश में हैं और आपका सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो ये सारे ही जॉब यहाँ अप्लाई कर देना। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर आपको ऐसी लेटेस्ट जॉब की अपडेट चाहिए, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन दबा सकते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इनके जॉब ओपनिंग पे आ चुका हूँ। देखो 5 घंटे पहले ओपनिंग आई है, तो कोई भी पुराना अपडेट नहीं, लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट आई है, तो यहाँ पे रिस्पांस भी आने के चांसेस बहुत हायर आपका होने वाला है। तो सारे डिटेल को प्रॉपर तरीके समझ के यहाँ अप्लाई कर देना। अब गाइस देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि आपका प्रोफाइल होने वाला, ये होने वाला आपका नॉन वॉइस का फ्रीलांस ट्यूटर के तौर पे। और यहाँ पे फ्रीलांस का मतलब ये है कि आपका जितना भी फ्री टाइम अवेलेबल है, 1 घंटे है, 2 घंटे, 4 घंटे, जो भी फ्री टाइम अवेलेबल आपके पास है आप उस टाइम पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। और ये काम दोस्तों मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप का होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये भी दोस्तों बेस्ट पार्ट यहाँ पे होने वाला है। अब गाइस देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं अर्निंग की, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द बेनिफिट ऑफ बींग अ ट्यूटर ऑन कोर्स हीरो इंक्लूड। तो अर्निंग की बात करते हैं तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ट्यूटर ऑन $2-$15 पर क्वेश्चन एंड टॉप ट्यूटर कैन ऑन $1500 पर मंथ। ठीक है, अब गाइस देखो यहाँ पे अगर अर्निंग की बात करें तो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन का जो आप आंसर देंगे एक क्वेश्चन के आंसर पे आपको $2 मिलेगा, जिसका मतलब लमसम लेते हैं $150 के आसपास। ठीक है, जो कि मतलब $3-4 तो एवरेज यहाँ पे आती है। अब ये डॉलर का जो सिस्टम है ना ये बढ़ता है आपके रेटिंग के हिसाब से, मतलब कि आप अभी नए नए हैं, आपको $2-3-4 मिल रहे हैं, तो आप अपने 10-20-25-30-40-50 क्वेश्चन के आंसर दिए और जिनकी भी क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं वो आपका फीडबैक दे रहे हैं, फीडबैक देंगे आपका, तो उस फीडबैक के उस रेटिंग के हिसाब से यहाँ पे आपका जो डॉलर है वो बढ़ता जाएगा। मतलब आप एक टाइम पे $8-10 भी अर्न कर सकते हैं एक क्वेश्चन, जो कि मतलब 600-700-800 रुपये भी अर्न कर सकते हैं एक क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन का जो एवरेज आंसर गाइस ये आधे घंटे 40 मिनट पर नहीं लगता है, मतलब एक नॉर्मल जैसे मैथ का क्वेश्चन है तो आप कितने टाइम में कर सकते हैं, और भी कम टाइम लेगा वैसे तो। तो उस क्वेश्चन का आंसर करना ही आपका यहाँ पे काम भी होने वाला, मतलब जॉब रोल भी आपका ही सिंपल होने वाला है यहाँ पे, कि जो भी क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे आ रहा है इनके वेबसाइट पे क्वेश्चन इनके जो भी स्टूडेंट है बच्चे डालेंगे वहाँ पे और उसका आपको आंसर करना, यही आपका मेजर काम होने वाला है। गाइस देखो इसके अलावा यहाँ पे ये इनका मेन पेज यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अर्न मनी एज एन ऑनलाइन ट्यूटर, लेवरेज योर कॉन्टेंट नॉलेज टू आंसर होमवर्क क्वेश्चन हेल्प। तो क्या बोल रहे हैं, होमवर्क क्वेश्चन मतलब जो यहाँ पे जो भी बच्चों के डाउट, जो भी उनके होमवर्क क्वेश्चन वगैरह है उसको करवाने में आपको यहाँ पे हेल्प करना है, जिसकी आपको रिसेंट अर्निंग मिलने वाली यहाँ पे। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, मेक एक्स्ट्रा मनी, वर्क व्हेन यू वांट एंड हेल्प स्टूडेंट एंड लर्न। तो यहाँ पे सारी चीज़ दोस्तों होने वाला है, यहाँ पे
कैसे अप्लाई करना, इसके बारे में आगे डिटेल हम बात करेंगे, पहले बेसिक चीज समझ लेते हैं। गाइस देखो सब्जेक्ट की हम बात करते हैं पहले, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारे ही सब्जेक्ट मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप एक बीएससी, अगर आप बीए कर रहे हैं, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटी है, लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पे वैसे आप अप टू 20 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, पर स्टार्ट में 4-5-6 ही आई थिंक, मतलब वैसे 20 भी कर सकते हैं, पर ये डिपेंड, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट वाला नॉलेज स्ट्रांग है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा सिस्टम है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये तो आर्ट का हो गया, यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो उनका मिल रहा है यहाँ पे, अगर आप बिजनेस से बी कॉम से आप तो ये चूज कर सकते हैं, अगर आप बीएससी से है तो आप ये चूज कर सकते हैं, मैथ है, साइंस है, तो मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मिलने वाले सब्जेक्ट, तो उसको चिंता नहीं करना यहाँ पे। अगर इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली इनकी इनके एफएक्यू जो भी इनकी क्वेश्चन आंसर वो है, तो क्या बोल रहे, डू आई हैव टू बी सर्टिफाइड ट्यूटर, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, वी बिलीव दैट एक्सपर्ट टेक ऑल फॉर्म एंड देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर दैट यू विल बी सर्टिफाइड ट्यूटर ऑन प्रोफेशनल, हाउएवर यू नीड टू शेयर सफिशियंट क्रेडेंशियल टू प्रूव दैट यू हैव एन एक्सपर्टीज इन कैटेगरी विच यू वुड लाइक टू डू ट्यूटर। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि आपको यहाँ पे ट्यूटर बनने के लिए कोई हाई फाई सर्टिफिकेट वर्ड तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बोल रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आप कर पाते प्रॉपर मैनर में, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं, हाउ लॉन्ग शुड आई हैव टू वेट, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 1-3 बिजनेस डे के अंदर से आज अप्लाई कर रहे हैं आप, तो ये बिजनेस डे चल रहा है मंडे टू फ्राइडे, तो इसके बीच में आपका 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। और अगर हॉलीडे वगैरह है तो ऑब्वियसली अभी क्या है वीकेंड, मतलब ईयर एंड चल रहा है, तो हो सकता है कि रिस्पॉन्स में थोड़ा टाइम लग जाए आपका, ठीक है। एम आई रिक्वायर्ड टू ट्यूटर फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और आंसर, तो यहाँ बोल नहीं, यहाँ पे आपके पास जो भी फ्री टाइम अवेलेबल उतना दे सकते हैं आप, कितना अर्न कर सकते हैं इसके ऑलरेडी हमने बात कर ली यहाँ पे। और लीगल रेसिडेंट क्या है, तो यहाँ पे आप एज ए फ्रीलांसर काम करने वाले हैं, कोई जॉब वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं, तो यहाँ पे आपको जब टाइम हो आप काम कर सकते हैं, और जितने क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे उसी पे पेमेंट आपको होने वाला है, तो कोई यहाँ पे कोई एग्रीमेंट वगैरह बिल्कुल यहाँ पे साइन नहीं होगा, ठीक है। गाइस जो हम सीधे चलते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ करना है, इनकेस दोस्तों आप लोगों ने पहले अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, तो आप बस अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं तो काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसका ध्यान देना, तो यहाँ पर डाल देना आपकी ईमेल आईडी, आपका यूजर नेम, मतलब यूजर नेम में आप अगर नाम मान लीजिए मेरा नाम पवन है, तो मैं पवन 2004 2000 मतलब कुछ भी एक नंबर लगा के यूजर नेम डाल सकता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, ये काम करना मुझे। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे डाल के ईमेल आईडी, यूजर नेम डाल के, पासवर्ड डाल के आप एंटर करेंगे, आप सीधे इस पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ पे डाल देना आपका बेसिक डिटेल, जैसे आप पूछ रहे हैं नाम, तो यहाँ पे नाम डाल देना आपका, लास्ट नेम अगर नहीं है तो डाल सकते, अगर लास्ट नेम है तो वो डाल सकते, नहीं है तो यहाँ पे आप डॉट करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहे कंट्री क्या है, तो यहाँ पे आपको इंडिया कर देना है। यहाँ पे 13 से ऊपर एज है, मतलब यहाँ पे आपका जो एज है 14-15 भी तो भी यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात ये है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर क्या, तो गाइस यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाला, मैं रैंडम डाल के आगे बढ़ता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ आपको। इसके बाद गाइस यहाँ पे सेंड कोड आएगा, तो मुझे आई थिंक सही नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे। सो गाइस जैसे आप आपका इंडिया कोड डाल करके, नंबर डाल करके आप यहाँ पे सेंड कोड करेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा, वो एंटर करना है। उसके बाद आप दोस्तों इस पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे 12वीं पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है, तो यहाँ पे अगर आपको आप यहाँ डाल सकते हैं बेसिक एजुकेशन टीचर, ठीक है। मतलब हर किसी ने गाइस बच्चों, हर किसी ने घर में बच्चों को किसी न किसी को तो पढ़ाया होता, तो यहाँ बेसिक कर देना। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, हैव यू ट्यूटर बिफोर, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा, तो यहाँ पे आप यस या नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद क्या बोल रहे हैं, अगर आपने पढ़ाया तो यहाँ पे डाल सकते, अदरवाइज आप यहाँ पे एनए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करना आपको, यहाँ पे आपसे क्या बोल रहे हैं, कैसे मालूम चला, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कोड 0 इवेंट, और यहाँ पर रेफरल कोड मंगाइज आपको डाल देना, यहाँ पे ये रेफरल कोड इनका है NOC, तो यहाँ पर डालना आपको NOC, ये आप डाल देना, इससे आपको चांसेस बढ़ जाएंगे और अप्लाई रिस्पॉन्स आने के। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग है, आपको पकड़ है, वो आप चूज कर सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे अप टू 20 यहाँ पे लिखा है ना, कि यहाँ पे यू कैन सेलेक्ट अप टू 20 सब्जेक्ट, तो और इसमें क्या बोल रहे हैं कि सम सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड अ नॉलेज क्विज इन नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट रिक्वायर्ड, मतलब टेस्ट आपको देना पड़ जाएगा, कुछ में टेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे अप टू 20 कर सकते हैं। पर आपका जो भी 5-4-5 जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, मैं बोलूँगा आप वही यहाँ पे चूज करना, तो मैं रैंडमली चूज करके आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। और कहीं जैसे आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे, आपके पास ऐसा आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव। दोस्तों इसके अलावा देखो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा नीचे, ठीक है। तो जैसे आपने ये एप्लीकेशन गया, इसके बाद क्या होगा कि ये आपके मेल पे 1 दिन में 2 दिन में या क्या पता उसी दिन कुछ टाइम बाद मेल कर देंगे कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भरना है। तो गाइस देखो यहाँ पे आपने इसका हेल्प लेना, ठीक है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे आपको ये तीन चीज अपलोड करनी होगी। पहले ये आपसे बोलेंगे कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डालना है, यहाँ पे तो इसको ऐसे डालना आपको, यहाँ पे बोलेंगे कि आपको डालना आपका डॉक्यूमेंट दोबारा, मतलब यहाँ पे आपको डालना प्रूफ ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे डालना आपको आईडी कार्ड वगैरह, ठीक है, तो ये ढंग से डालना आपको। और तीसरा दोस्तों, यहाँ पे आपके आईडी कार्ड को यहाँ पे होल्ड करते हुए आपको फोटो लेना, तो वो आपको डालना, जो कि ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद गाइस कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो इसका भी आप हेल्प ले लेना। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। गाइस बहुत ही अच्छी अपडेट है, सारे अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना। अब दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक और धमाकेदार अपडेट से, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।